लास्ट क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था। मैंने आपको पी ब्लॉक्स के बारे में पूरा बताया था, 11th में कौन से पी ब्लॉक हैं, ग्रुप 13th एंड 14th के बारे में, ग्रुप 15th, 16th, 17th, 18th या जीरो ग्रुप भी आपने बोला था, इन्हें हम 12th में स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से मैंने आपको बताए थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, लिक्विड, सॉलिड सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमें शुरू करना था 11th क्लास की टॉपिक्स को, और हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा यहाँ से 13th ग्रुप, या हम लोग इसे मॉडर्न टेबल का थर्ड ए ग्रुप भी कहते हैं, या बोरान फैमिली एलिमेंट्स को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। यदि बोरान फैमिली के एलिमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास एलिमेंट्स है बेटा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम ऐसे याद करते थे, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो नहीं, ऐसे करके नहीं कौन था, इसके नीचे NH, निहोनियम, जो मैंने नहीं लिखा है, हम इतनी ही स्टडी करेंगे, आगे की स्टडी नहीं करेंगे। यदि हम बात करें बेटा इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स की, तो मैंने आपको बताया था इसमें दो जोड़ दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 5, 8 जोड़ेंगे इसके बाद तो आएगा 13, इसके बाद हम 18 जोड़ते थे तो 31 आता था, फिर 18 जोड़ते थे तो 49 आता था, और फिर 32 जोड़ते थे तो 81 आता था। ये हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। आइए थोड़ी सी बातें इनके बारे में जान लें। यदि हम बोरान की बात करते हैं बेटा, तो बोरान एक मेटेलॉइड होता है। क्या होता है? इट इज अ मेटेलॉइड एंड, और नेचर में कैसा होता है? एम्फोटेरिक, यानी मेटेलॉइड भी है और एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। यदि हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी सी, तो आइए थोड़ी सी बातें एल्यूमिनियम के बारे में भी कर ली जाए। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है और नेचर में ये भी एम्फोटेरिक होता है। सारे के सारे बोरान के बाद ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑल आर, ये सब कैसे हैं बेटा? मेटल्स, सारे के सारे। केवल बोरान है जो नॉन मेटेलिक है, या थोड़ा मेटेलॉइड कह सकते हैं, इसके अलावा सारे मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। एल्यूमिनियम की बात की जाए कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक है, और यदि हम बात करें तो इट इज मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल होता है। कुछ खास बातें होती हैं इसमें, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन थर्माइट मिक्सचर यूज किया जाता है, किसमें? थर्माइट मिक्सचर में। बट इस थर्माइट मिक्सचर, ये कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिक्सचर है, जिसमें आप Fe2O3 का पाउडर लेते हैं और साथ में लेते हैं एल्यूमिनियम पाउडर, इन दोनों के पाउडर्स में प्लस लिख दूं ज्यादा अच्छा होगा, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, तीन पार्ट ये, एक पार्ट ये बाई मास, यानी 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाई मास, यानी तीन पार्ट Fe2O3 और एक पार्ट एल्यूमिनियम को लिया जाता है, और ये थर्माइट मिक्सचर काम करता है एक रिड्यूसिंग एजेंट का। मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिड्यूस करने के लिए हम इस थर्माइट मिक्सचर को या एल्यूमिनियम के पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, इस आयरन ऑक्साइड पाउडर के साथ। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया, एम्फोटेरिक एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट मेटल भी होती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, कौन है ये? गैलियम। गैलियम के बारे में बस ये समझ लीजिए खास बात कि ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये आपको रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो गैलियम के बारे में बस इतना काफी है कि लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पर। बाकी थैलियम जो होता है ये टॉक्सिक एलिमेंट होता है, टॉक्सिक। कुछ लोग पहले इसे डकविल प्लेटिपस के नाम से जानते थे, फिलहाल तो हम इसे टॉक्सिक मानते हैं, और थैलियम की प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा हमें स्टडी करनी भी नहीं। थोड़ा सा 13 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बेटा, कि बोरान एक मेटेलॉइड है एंड एम्फोटेरिक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सारे मेटल्स होते हैं।
एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल होता है, एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज भी। कहते हैं मोस्ट एबंडेंट मेटल है, एलिमेंट नहीं कहा है मैंने, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, पर मेटल सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद, ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है और मोस्ट एबंडेंट मेटल है, याद रखिए। ठीक, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम पाउडर को, बहुत सारी रिएक्शन में आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक थर्माइट मिक्सचर होता है मेटलर्जी में जिसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, जिसमें 3 पार्ट आयरन ऑक्साइड और 1 पार्ट एल्यूमिनियम पाउडर होता है बाईमास, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं और बाईमास, यानी मैंने 3 ग्राम आयरन ऑक्साइड लिया है तो मैं केवल 1 ग्राम एल्यूमिनियम को लेता हूँ, तो ये 4 ग्राम मिक्सचर बनाया, 1 ग्राम एल्यूमिनियम का 3 ग्राम आयरन के ऑक्साइड का, इसे नाम दे दिया थर्माइट मिक्सचर। थर्माइट क्यों कहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो थर्म का मतलब ही होता है टेम्परेचर। मेटलर्जी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इनके बारे में एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहली हेडिंग, पहले नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है ये, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें, तो किसी भी एलिमेंट का जब हम कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, सबसे पहले उससे प्रीवियस उसके पहले वाली नोबल गैस लिखेंगे बेटे, नोबल गैस के बाद हम यहाँ NS2 और NP1, ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है वैलेंस शेल का, यानी इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसके पहले बीच में डी और एफ भी आएंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के आइए, एलिमेंट्स और उनके कॉन्फिगरेशन को एक बार देखना चाहेंगे। तो एलिमेंट कौन से हैं बेटा हमारे पास, बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। यदि मुझे इनके कॉन्फिगरेशन लिखने हैं तो नोबल गैस सब में लिखी जाएगी, तो सबसे पहली नोबल गैस जो होती है वो है बोरान से पहले आने वाली हीलियम, दूसरे नंबर पर जो आएगी वो है नियॉन, तीसरे नंबर पर जो आएगी वो है आर्गन, चौथे नंबर पर जो आएगी वो है क्रिप्टॉन और सबसे लास्ट में आती है इट इज ज़ीनॉन। ये आपकी नोबल गैसेस हो गई। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स को भर लेना है बेटा, तो जरा बताइए इनके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स बताए थे, मैं याद दिला देता हूँ, बोरान का मैंने आपको 5 बताया था, एल्यूमिनियम में 8 जोड़ा था, 13 बताया था, यहाँ एकदम से 18 जुड़ता है, यानी डी इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ हो जाते हैं 31। फिर से आ जाइए, 18 फिर से जोड़ेंगे तो ये हो गया था 49, और अब आपने 32 जोड़ा था तो ये हो गया था 81, यानी इसमें एफ भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए भरना शुरू करते हैं जरा इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे भरेंगे, लुक हियर, तो ये कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में, तो एन बराबर 2 हो गया, तो कॉन्फिगरेशन होगा 2s2 2p1, यहाँ पे आ जाइए 3s2 3p1, अब हम जाएंगे 4s में, जरा ध्यान दीजिएगा, आर्गन में 18 है और 31 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 13 आपको चाहिए, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 3d में 10, 4s में 2, 4p में 1, जो आपका वैलेंस है देखो वो चौथा है, इसमें अब भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन रहने हैं, रिमेंबर ऑलवेज, ये हमेशा आपको याद रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर से डी में होंगे कितने, 10, 5s2 5p1, अब 32 बढ़ गया, यदि 32 बढ़ गया तो F में भी आ गए होंगे बेटा, तो कौन सा F पहले आया होगा, पहले आया होगा 4F में 14 इलेक्ट्रॉन, D में भी आए होंगे 5D में 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर आया होगा 6s2 and 6p1, लीजिए देख लीजिए कहीं कोई डाउट है, 6p1 में तो बहुत बाद में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले 6s2 में जाते हैं, 6s2 के बाद 5d में, फिर 4f में 14, तब 6p में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यदि आप इन सभी में देखेंगे तो सब में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 ही मिलेंगे, यू हैव टू चेक, ये हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमेशा याद रखिए, जहाँ 18 आता है वहाँ डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहाँ 32 आता है वहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ पर N-2 F होगा,
एन माइनस वन डी होगा जब एन की वैल्यू किसको ओवरलैप किसको पार करना शुरू कर जाएगी, चार और पांच को पार करना शुरू कर जाएगी। यहां से देखिए डी आ जाता है, क्लियर है बेटा? तो बनाइए, ये हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इनकी अगली हेडिंग निकालेंगे जिसका नाम होगा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करेंगे इनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कॉन्फ़िगरेशंस बना लीजिए, फिर वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। तो कहते हैं कि ये सारे के सारे ऑल कैसे हैं बेटा, ट्राइवेलेंट, यानी इनकी वैलेंसीज कितनी हैं, तीन हैं, होनी भी चाहिए। क्यों तीन होगी वैलेंसी, क्योंकि इनके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हैवी। और इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री। इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, प्लस तीन होती है, क्योंकि इनके वैलेंशियल में जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आफ्टर एल्यूमिनियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो जाती है ड्यू टू रीजन मैंने आपको बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जो कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, क्योंकि जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हुए और एफ में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हुए, एकदम से देखो 18 बढ़ गया, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत तेजी से बढ़ गए, 13 से 31, यानी दुगने से भी ज्यादा है देखिए। और जब एकदम से नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे बेटा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो एस इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब एस पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता था तो यही वाला वो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो इनर्ट होना शुरू हो जाता था, और अब इसमें केवल कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, ये पी का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी शुरू हो जाएंगी, प्लस वन, यानी प्लस थ्री के अलावा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो सबसे ज्यादा कहां काम करेगा, सिक्स पीरियड यानी थैलियर। क्लियर बेटा? यहाँ पे एन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एन, एन इज द पीरियड नंबर, और ये पीरियड नंबर बराबर होता था नंबर ऑफ शेल्स। कुछ याद है? मैं इन कॉन्फिगरेशंस को हटाना चाहूंगा और ऑक्सीडेशन स्टेट पर आना चाहूंगा, तो क्या मैं कॉन्फिगरेशंस हटा दूं? ये तो अब तक हमारे बन भी चुके होंगे मेरे हिसाब से। लीजिए इन्हें हटा दिया जाए, और अब अपन आ जाते हैं किन पर, अपने एलिमेंट्स पर, और बात करते हैं इन एलिमेंट्स की केवल केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के केसेस में कॉमन कितनी है, प्लस थ्री यहाँ भी 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 है, प्लस थ्री यहाँ भी, यहां तक तो कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट था नहीं, तो यहाँ तो प्लस थ्री है, यानी यहाँ और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, और कोई नहीं, लेकिन यहां से जैसे डी में आए प्लस वन शुरू हो गई, यानी इनकी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होने लगती है। कौन सी? प्लस वन। मैं जरा कलर बदलना चाहूंगा प्लस वन वालों के, रेड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ तो कोई नहीं होगी, यहाँ कोई नहीं, पर यहाँ हो जाएगी प्लस वन, यहाँ भी हो जाएगी प्लस वन, यहाँ भी हो जाएगी प्लस वन। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? अब आगे क्या होगा जरा समझिएगा, ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि मैं इसमें नीचे की तरफ आता हूँ, किसमें? प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, यदि अपन नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जो स्टेबिलिटी है प्लस थ्री की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जो स्टेबिलिटी है प्लस वन की वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इधर से बनाता हूँ, तो नीचे आने पर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है।
इसका मतलब ऊपर ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये स्टेबल है, पर जब हम नीचे आएंगे इसके बाद तो प्लस वन स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। जैसे यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ सबसे स्टेबल कौन सी होती है, प्लस वन, नॉट प्लस थ्री, या प्लस थ्री स्टेबल ना होके प्लस वन स्टेबल होती है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पर घट रही है। तो इधर से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं इधर से नीचे की तरफ आऊंगा, आइए तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे वर्क करता है, थैलियम में। इसलिए हम कहते हैं इसकी प्लस वन इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लीजिए बेटा, इतने में कहीं आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी को पूछ सकते हैं। तो ये हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटा, सारे के सारे ट्राइवेलेंट होते हैं, हैविंग मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस तीन होती है, बट आफ्टर एल्यूमिनियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और जैसे जैसे नीचे आएंगे प्लस वन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे आने पर बढ़ेगा। देख लीजिए बेटा कहीं कोई डाउट हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनको देखते हुए कि जो थैलियम है, किसकी बात कर रहे हैं, थैलियम टीएल, इसकी जो प्लस थ्री है वो लेस स्टेबल है और इसकी जो टीएल प्लस वन है वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यदि यहीं पर हमसे पूछा जाए इंडियम के बारे में तो हम कहेंगे इसकी प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है और इसकी प्लस वन कम स्टेबल है। इसका मतलब थैलियम प्लस थ्री के जो कंपाउंड हैं वो थैलियम प्लस वन में जाना चाहेंगे यानी रिड्यूस होना चाहेंगे। तो थैलियम प्लस टी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसका रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान फैमिली के बारे में, बना लीजिए। बन जाए तो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो अगली हेडिंग है वो है एटॉमिक रेडियस। तब तक आप इसे बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग होगी एटॉमिक रेडियस, आप एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। क्या मैं अब इसे हटा दूं बेटा? चलिए बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि शेल्स बढ़ते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। पर यहाँ एक छोटी सी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो एकदम से न्यूक्लियस में प्रोटॉन, मैंने बताया था, दुगने से भी ज्यादा हो जाते हैं यानी 18 प्रोटॉन एकदम से बढ़ जाते हैं और डी इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर नहीं पाता। और जब डी इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर नहीं पाता तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तेजी से बढ़ जाता है तो गैलियम के साइज में एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जैसे ही गैलियम के साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो गैलियम का साइज होता है वो एकदम से रिड्यूस हो जाता है तो नीचे जाने पर रेडियस बढ़नी चाहिए यानी एल्यूमिनियम की रेडियस बोरान से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी पर ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा ना होने का जो बेसिक रीजन था वो मैंने आपको क्या दिया बेटा कि एकदम से क्या हुआ है कि 18 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े हैं और 10 डी इलेक्ट्रॉनों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, वो एक पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसके कारण गैलियम के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से बढ़ गया जिसके कारण गैलियम का साइज एकदम से रिड्यूस हो गया। अब नीचे जाने पर बढ़ेगा, इसके बाद आएगा इंडियम और उसके बाद आएगा थैलियम, यानी हाँ रेडियस सबसे ज्यादा थैलियम की ही होगी।
अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो आप थैलियम में भी दिखा सकते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन होता है। हाँ होता है, इसीलिए इंडियम और थैलियम की एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। थैलियम इंडियम से बड़ा जरूर है पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन आता है, थोड़ा काम करता भी। यह है एटॉमिक रेडियस के बारे में। याद रखिएगा, पूछेगा कि एल्यूमिनियम की रेडियस गैलियम से बड़ी क्यों है या गैलियम की एल्यूमिनियम से छोटी क्यों है, तो आप कहेंगे कि इसमें एकदम से 18 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाए, शील्ड नहीं कर पाए न्यूक्लियस के लाइना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा जिससे साइज सिकुड़ गया। इसे अपन नाम दे सकते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करके। हालांकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ते बढ़ते हैं नहीं, बस मैंने समझाने के लिए एक वर्ड बोल दिया। तो ये था बेटा किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। आइए एटॉमिक रेडियस के बाद अगली हेडिंग की बात कर देते हैं। अगली हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये हेडिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को याद करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं एक ट्रिक, और उस ट्रिक का नाम है डीडी का मतलब है डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। यानी यदि मैं ग्राफ की मदद से समझना चाहूं इसे, तो जरा देखिएगा मैं क्या बनाने जा रहा हूं। मैंने यहां से शुरू किया सपोज करिए, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले क्या हुई डिक्रीज यहां तक, फिर क्या हुई इंक्रीज, फिर क्या हुई डिक्रीज, और फिर क्या हुई इंक्रीज। ये है देखिए, ध्यान से समझिए, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ये अजीब सा डब्लू बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सा ना ऑसिलेशन टाइप दिख रहा है। तो याद रखिए इसमें बस एलिमेंट की सेटिंग करनी भी है, तो एलिमेंट वाइज जरा सेट कर लिया जाए। तो एलिमेंट सबसे ऊपर कौन है, बोरान। बोरान के बाद यहाँ एकदम से कौन आ गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ कौन आ गया, गैलियम। गैलियम के बाद यहां कौन आ गया, इंडियम। और फिर यहां पर कौन आ गया, हेलियम। स्टीयर, कुछ समझ में आया है। तो ये ट्रेंड है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। यानी कि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखना चाहूं कि लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, बोरान की सबसे ज्यादा है, बोरान के बाद फिर एल्यूमिनियम, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, ध्यान से देख घटी। और फिर गैलियम की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर गैलियम की बढ़ी, फिर इंडियम की घट जाएगी, इंडियम की घटी। देखो गैलियम को यदि हम देखें तो इस गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इससे भी ज्यादा और पड़ोसी से भी ज्यादा, दोनों से ज्यादा है इंडियम। और फिर थैलियम की फिर से बढ़ जाएगी, यानी थैलियम की फिर से बढ़ गई, यानी इंडियम की देखो तो गैलियम से भी कम, थैलियम से भी कम। तो एक्चुअली ये है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सवाल है ऐसा सर क्यों, बहुत आसान है समझना। देख बोरान की तो ज्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी है, सबसे छोटा साइज, सबसे छोटा साइज है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें बेटा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम से जैसे ही गैलियम पर जाएंगे, तो बोरान के तो एल्यूमिनियम से ज्यादा है, पर जैसे ही गैलियम पर गए, देखिए गैलियम का साइज छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, तो जब गैलियम का साइज एकदम से घट गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज घटते ही क्या होगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास आएगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर घटा इंडियम पर, उसके बाद एकदम से थैलियम में फिर क्यों बढ़ा, क्योंकि थैलियम में आते ही वो 32 इलेक्ट्रॉन आए होंगे वाले, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन हुआ होगा, इसका भी साइज मैंने कहा था ना इसके लगभग बराबर है, लेकिन इसके लिए यहां से यहां तक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखें तो याद करिए इंडियम का 49 था और थैलियम का 81, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके किसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूक्लियस में 32 का फर्क है, यानी इसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, उसने इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से खींचा, इसीलिए थैलियम के केस में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम से बढ़ गई है। यानी कि मैं पूरा ऑर्डर ध्यान से देखूं तो सबसे ज्यादा है बोरान, उसके बाद है थैलियम, फिर है गैलियम, फिर है एल्यूमिनियम, सबसे कम है इंडियम।
यदि मैं पूरा ऑर्डर बनाऊं ठीक से तो इसमें पूरा एक ऑर्डर बनाया, आप चेक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बोरान की है, चेक करिए, फिर थैलियम की है, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, सबसे लास्ट में इंडियम है। यदि आप ग्राफ को ठीक से देखें तो जो भी फिगर बनाया टेढ़ा मेढ़ा खींचा हुआ, तो यह है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देख लीजिए यहां तक कहीं कोई डाउट हो। तीसरी प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे इसकी, जिसका इलेक्ट्रो निगेटिविटी की। अब देखिए जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल है बेटा, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, कि जैसी जिसकी रेडियस सबसे कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो ऑब्वियस है कि सबसे छोटा साइज बोरान का है तो बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान से देख, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा हो गया। इसका मतलब साफ है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी, और इसका साइज फिर से घटा है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडियम से ज्यादा होगी। तो जो ऑर्डर है थोड़ा अनकंफर्टेबल सा है। देखिएगा, बेरियम के बाद आता है थैलियम, थैलियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आता है गैलियम, और सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं रेगुलर ट्रेंड में इसको लिखना चाहूं, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी लिख देता हूं, कभी शायद आपके काम आ जाए। ये 2.0 होती है, ये 2.0 होती है, ये 1.8 होती है, ये 7 होती है, ये 1.6 के करीब होती है, और ये 1.46 यानी 1.5 के करीब। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज हैं एट पाउलिंग स्केल। हाइड्रोजन से बहुत थोड़ी सी कम है, देखिए बोरान की मेटलॉइड है। यदि मैं इस ट्रेंड को यहां से उठा के यहां देखना चाहूं, देखिएगा क्या है, बोरान की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, ठीक, उसके बाद नीचे जाने पर बढ़ रही है, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी पहले एल्यूमिनियम तक घटी तो एल्यूमिनियम की सबसे कम। इसका मतलब ये हुआ सर, यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भूल के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यहां पर कौन सा दिखेगा आपको जरा बता दीजिए। तो आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मिलेगा एल्यूमिनियम, यानी ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और यदि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, पहले एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, सबसे कम बोरान। बना सकते हैं मेरे ख्याल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इसी को पलट दीजिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तीन चीजें आपके सामने बनी हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों को देख लीजिए, कहीं डाउट हो याद करने की ट्रिक भी आपके लिखी है दीदी, कभी भूल जाए तो। एक्सेप्शन बहुत है इसमें, रेडियस भी, आयोनाइजेशन भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए अजीब सी आ रही है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी अलग टाइप का है, जबकि नीचे जाने पर बढ़ता है नॉर्मली। अभी मैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, वो भी अजीबो गरीब है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन है ग्रुप में, बन गया हटाऊ, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, और अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। जहां तक मेल्टिंग पॉइंट का सवाल है, मेल्टिंग पॉइंट याद करने के लिए मैं आपको एक फिर से ट्रिक दे देता हूं। यदि हम इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हमें मेल्टिंग पॉइंट बड़े आराम से याद रहेंगे। मैं बोलता हूं सुनिएगा, बैटिंग, क्या बोला, बैटिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला, बैटिंग, बी ए टी आई एन जी, बैटिंग। ये है भैया बैटिंग का कौन सा ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बैटिंग। और बनाते हैं बैटिंग का मतलब, ठीक से बनाते हैं बैटिंग का मतलब, सबसे पहला बी यानी बोरा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट
इसके बाद ए से एल्यूमिनियम, टी से थैलियम, आई एन से इंडियम और सबसे कम गैलियम होना भी चाहिए। रूम टेम्परेचर पर आप ही ने कहा था कि गैलियम लिक्विड है, यदि ये लिक्विड है तो पहले ही गला हुआ पिघला हुआ बैठा है, और क्या पिघलाओगे भाई, मेल्ट कराओगे इसे। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये मेल्टिंग पॉइंट का सर ऐसा ऑर्डर क्यों है, तो इसके लिए तो हमें इन सब के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं। जैसे बोरान का तो स्ट्रक्चर ही गजब का होता है भाई, भैया आइकॉस हाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, B12 की फॉर्म में पाया जाता है, बड़ा टाइट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको तोड़ना मेल्ट कराना मुश्किल होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसकी जो यूनिट होती है बोरान की, वो पाया ही B12 की फॉर्म में जाता है। B12 की बहुत सारी ढेर सारी यूनिट्स आपस में मिलती हैं तब ये बनती हैं। तो इतना बनाइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टीज की बात जो आती है वो है डेंसिटी, नहीं सॉरी, इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गए हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स की भी बात कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट्स, देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े इनके रेगुलर हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाइए, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। यानी यदि मैं ऊपर से नीचे का मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरान का, फिर किसका होगा एल्यूमिनियम का, फिर किसका होगा गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम। यानी जब हम इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो सबसे ज्यादा तो बोरान का ही होगा, उसके सबसे लास्ट में होगा थैलियम का। ये एक रेगुलर ट्रेंड है। और दूसरा एक रेगुलर ट्रेंड और होता है बेटा, वो रेगुलर ट्रेंड होता है डेंसिटी का। एक बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड जैसे आपने इसका देखा है, बिल्कुल ऐसे ही एक रेगुलर ट्रेंड डेंसिटी का होता है, बस वो होती रिवर्स है। आगे जाइए तो डेंसिटी बढ़ती है, यानी बोरान की डेंसिटी एल्यूमिनियम से कम होती है, इसके बाद गैलियम की, इसके बाद इंडियम की, इसके बाद इंडियम की एंड देन थैलियम। लेकिन हाँ, है बिल्कुल रेगुलर, ज्यादातर ट्रेंड्स रेगुलर नहीं है, बड़े रेगुलर से हैं, पर इन ट्रेंड्स को देखिए, ये रेगुलर ट्रेंड्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये इंक्रीज होता है ऑन गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जाने ऑन गोइंग डाउन, जबकि जो डेंसिटी है ये डिक्रीज, उल्टा बोल गया, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये डिक्रीज होते हैं ऑन गोइंग डाउन, और जो डेंसिटी है बेटा ये इंक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन। जो डेंसिटी है इट इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जो डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी के ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट थोड़े अजीब से हैं, तो मैंने याद करने की ट्रिक बता दी, बैटिंग, जहां बैटिंग को अंडरलाइन कर देता हूं, अंडरलाइन ऑफ बैटिंग, बी फॉर ए फॉर टी फॉर आई एन एन जी, बैटिंग। और बैटिंग हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। यहां पर कहते हैं ना लास्ट वाला जो होता है बैटिंग बैटिंग नहीं कर पाता, वो अलग आ जाते हैं ना, तो डिक्रीज होती चली जाती है बैटिंग की कैपेसिटी। वो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं जो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पे उतरते हैं उनकी बैटिंग जबरदस्त है, कि विराट कोहली तो सेकंड थर्ड प्लेस पे आता है तो बढ़नी चाहिए, पर ये जो टॉप पे आते हैं उनकी सबसे अच्छी है। यानी सबसे अच्छा बोरान, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम। ये हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के, बॉइलिंग पॉइंट्स के, डेंसिटी के ऑर्डर सामने बने, बना डालिए जल्दी से। आसान से हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हों। हटा दूं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स, या एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑर्डर और देखने चाहे तो इसे देखेंगे। पीछे इलेक्ट्रो नेगेटिव का ऑर्डर तो बता ही था आपने ना, बस वही है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि किसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम है और किसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा। तो यदि मैं इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की बात करूं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में सबसे ज्यादा होता है एल्यूमिनियम, इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर सबसे ज्यादा है।
एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आता है थैलियम और देन बोरान। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से मैंने आपको बताया ये इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगली हेडिंग पर और बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ 13th ग्रुप, यानी जो 13 ग्रुप के कंपाउंड्स हैं हम उनकी नेचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर हम जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाउंड्स हैं इनके ऑक्साइड्स। यहां से हम शुरू करेंगे। कहते हैं जितने भी बोरान फैमिली के कंपाउंड हैं ये सारे के सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं M2O3 टाइप के। सवाल है क्यों? मान लीजिए एम कोई भी एलिमेंट ऑफ बोरान फैमिली है तो आपने बोला इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब आप वैलेंसी मान लो या चार्ज जो भी आपको पसंद हो, बस इन्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा M2O3 यानी इसमें एलिमेंट और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1.5 है। क्या कह सकते हैं या 2:3 है। कहते हैं ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें एलिमेंट्स का रेशियो 1:1.5 होता है इन्हें कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। सेक्सी नहीं बेटा, सेस्क्यू, कहीं सेक्सी ऑक्साइड समझो, ऑक्साइड सेक्सी नहीं होते, सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू का मतलब जिनमें रेशियो क्या होता है बेटा 2:3 होता है, यानी 1:1.5 का रेशियो होता है, उन्हें कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। एक नाम दे दिया जाता है ऐसे, क्यों कहा जाता है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह के ऑक्साइड सारे के सारे बनाते हैं। बनाइए तो मैं इनके ऑक्साइड बना के दिखाता हूं। ऊपर का हटा दो बेटा, पूरा बना लीजिए फिर ऊपर से लिखना शुरू कर दो। तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स के बारे में। ये M2O3 टाइप के सेस्क्यू ऑक्साइड्स बनाते हैं। आइए इनके जरा इन सेस्क्यू ऑक्साइड्स को बना दिया जाए, यानी ये कहां से बनेंगे, यहां से। तो सबसे पहला बनेगा B2O3, B2O3 के बाद होगा बेटा Al2O3, Al2O3 के बाद होगा Ga2O3, इसके बाद होगा In2O3 और थैलियम का बनेगा Tl2O3। ये हैं इनके ऑक्साइड्स। यदि इनके ऑक्साइड्स की नेचर की थोड़ी सी बात कर ले तो ये जो बोरान का ऑक्साइड है ना ये एसिडिक होता है। कैसा होता है बेटा एसिडिक। ये नीचे के जो दो ऑक्साइड्स लिखे हैं ये दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे होते हैं एम्फोटेरिक। और इसके जो नीचे के दो ऑक्साइड्स हैं, हालांकि इसमें +1 वाला ज्यादा बेसिक होता है पर ये स्लाइटली बेसिक होते हैं, दीज आर स्लाइटली बेसिक। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जबकि ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इन ऑक्साइड्स में ऊपर से नीचे की तरफ आइए, जैसे जैसे ऑक्साइड्स में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एसिडिक से एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से बेसिक हो रहे हैं, यानी नीचे की तरफ आने पर एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है या बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जहां तक B2O3 का सवाल है इसे तो हम लोग पढ़ेंगे, पर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने है वो है Al2O3 ऑक्साइड। ये इतनी ढेर सारी फॉर्म्स में पाया जाता है कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। मैं इसको ऐसे याद करता हूं, देखिएगा कोड, COD कोड, बाजी बाजी चलेगा, कोड बाजी, ये सब L2O3 है। अब देखिए कोड बाजी का मतलब क्या है। कोड बाजी में एक नाम छिपे हुए हैं। सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा इनके फॉर्मूले। जब वो कोड बाजी कहता है ना तो आगे लिख लीजिए, सबसे पहले नंबर पर आता है L2O3 जिसमें एक भी वाटर नहीं है, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म कॉल्ड कोरंडम। जैसे आप डी पे आएंगे तो एक पानी आ जाता है .H2। जैसे आप बी पर आएंगे तो दो पानी आ जाते हैं L2O3।
जैसे आप जी पर आएंगे एक और वाटर आ जाता है। बस याद करने का एक तरीका है कि कोडबाजी। अब इनके नाम क्या है सर, आपने तो कोडबाजी लिख दिया, एक्चुअली इनके नाम है क्या? तो आइए जरा मैं इनके नाम पूरे कर देता हूं कोडबाजी के। तो ये जो लिखा है को, इसका मतलब कोरेंडम, कोरेंडम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ L2O3। डी से है डायस्पोर, डायस्पोर ये तो जानते होंगे, बॉक्साइट, इसी से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और यह है जिप्साइट, जिप्साइट लीजिए। तो कोरेंडम कौन है? L2O3। डायस्पोर कौन है? L2O3.H2O। ये बॉक्साइट है और ये जिप्साइट है। क्लियर? अब इसमें मैं उठाऊंगा इस फॉर्म को, विच इज सेड टू बी कोरेंडम। कौन सी फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज द कोरेंडम प्योरेस्ट फॉर्म। चलिए पहले आप इतना बना लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड थोड़ा खाली चाहूंगा, तो मैं उधर का हिस्सा हटा दूंगा। आप बना लीजिए, मैं कोरेंडम पर आऊंगा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, कोरेंडम के बारे में। हो गया? चलिए हटा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? कोरेंडम। आइए मिलते हैं इस कोरेंडम से। तो ये रहा आपका कोरेंडम, हम इसे एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं, इट इज कोरेंडम, या हम लोग इसे एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये प्योर फॉर्म में है तो इसका कोई कलर नहीं है, और हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, एडेड सम इम्प्योरिटी। जब हम सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये अलग अलग कलर बनाता है, तो अलग अलग कलर पे इंप्योरिटी ऐड करने पर इट बिकम्स, ये कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है कभी कभी। इधर के हटा दूं, चलिए कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है कभी कभी, कभी कभी ये रेड नहीं होता, कभी कभी ये हो जाता है ब्लू, नीला, और कभी कभी ये नीला भी नहीं होता, कभी कभी यही हो जाता है ग्रीन, इट इज ग्रीन। लीजिए अब इसे हटा दो बेटे, इधर वाला हटा देते। अभी कोरेंडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये रेड होता है, कैसा होता है? रेड, तो इसका नाम होता है रूबी, हिंदी में माणिक, शायद माणिक ही कहते हैं, वो लाल रंग का एक पत्थर होता है ना, लोग उसमें पहनते हैं अंगूठियों में, रूबी। ब्लू सफायर, नीलम, ब्लू इज सफायर। Blue is sapphire. Green is emery. Green क्या है? Emery. Emery नाम है इनके। तो लाल रंग का रूबी होता है, ठीक है, रूबी। ये सफायर होता है, मैंने बार बार कोशिश की धोपी बनाने की, मुझसे बने ही नहीं, क्या बता। चलो ये सफायर होता है, नीलम जिसे कहते हैं बेटा नीलम, ये रूबी होता है, ये एमरी, इनके नाम है, यानी प्रिसाइज स्टोन होता है L2O3। इसका मतलब वो जो हमको पत्थर पहनाए जाते हैं माणिक वाणिक, उसमें L2O3 पाया जाता है। जी हाँ, पर इम्प्योरिटीज भी बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे एमरी ग्रीन किसके कारण होता है पूछा जाए तो इसमें क्रोमियम की इम्प्योरिटी पाई जाती है। इसकी इम्प्योरिटी है क्रोमियम की इम्प्योरिटी। कहते हैं ब्लू किसके कारण होता है, तो इसमें ब्लू में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, ब्लू में कॉपर की इम्प्योरिटी है, मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी है, आयरन की इम्प्योरिटी है, टाइटेनियम की इम्प्योरिटी है, ये ढेर सारी इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो ये ब्लू हो जाता है, और इसी में क्यूप्रस साल्ट की प्रेजेंस आ जाती है तो इट बिकम्स रेड। तो क्यूप्रस इसे लाल बनाता है, ये सब इसे नीला बनाते हैं, क्रोमियम इसे ग्रीन बनाता है, तो इसको ये नाम दे दिए जाते हैं। इट इज अबाउट Al2O3, जो कुछ लिखा है किसके बारे में लिखा है? एल्यूमिना Al2O3 के बारे में। बना डालिए, ये थे ऑक्साइड्स के बारे में, हटा दो। चलिए ऑक्साइड्स के बाद हम इनके अगले कंपाउंड की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो इनके कंपाउंड्स आते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बाद
किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं MO H का होल थ्राइस टाइप के, इस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे यदि मैं बोरान का बनाऊंगा तो ये बनेगा BOH का होल थ्राइस, यदि मैं एल्यूमिनियम का बनाऊंगा तो ये बनेगा AlOH का होल थ्राइस, यदि मैं गैलियम का बनाऊंगा तो ये बनेगा GaOH का होल थ्राइस, यदि मैं इंडियम का बनाऊंगा होल थ्राइस, थैलियम का बनाऊंगा होल थ्राइस। हालांकि थैलियम का एक और बनता है होल थ्राइस के अलावा TLOH, क्योंकि इसकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो होती है ना बेटा, तो TLOH भी बनता है। जहां तक इसका सवाल है, इट इज एसिडिक, माइल्ड एसिडिक, बहुत वीक एसिडिक है। कौन है ये? इट इज बोरिक एसिड H3PO3, वीक, मोनोबेसिक, इसकी बेसिसिटी वन है। लुइस एसिड, लुइस एसिड नॉट प्रोटिक एसिड, ये प्रोटिक एसिड नहीं है, यानी प्रोटॉन नहीं देता, ये लुइस एसिड है। लुइस एसिड मतलब ला, जो इलेक्ट्रॉन लेता है H3PO3, ये है वीक मोनोबेसिक लुइस एसिड। जहां तक LOH का होल थ्राइस और GaOH का होल थ्राइस का सवाल है, ये दोनों ही होते हैं हाइड्रोक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक। किस नेचर के हैं बेटा? एम्फोटेरिक। और इसके बाद वाले ये जो है ये बड़े माइल्ड बेसिक, यानी वीक बेसिक। पर जो नीचे वाला है सबसे लास्ट में जो लिखा गया है, कौन सा? ये वाला, इट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये अच्छा खासा बेसिक होता है NaOH की तरह, तो इट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? हाइड्रोक्साइड्स की। ये एसिडिक है, एक्चुअली ये है ही एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है हमें इसके बारे में, पढ़ेंगे आगे हम इसके बारे में। लुइस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रोटॉन नहीं देता, आर्हेनियस एसिड नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई H प्लस पानी में डाले जाने पर ये H प्लस नहीं देता, पानी भले H प्लस देते। ये लुइस एसिड है, ये केवल केवल और केवल निगेटिव चीज को लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है ला, लुइस एसिड जो ला इलेक्ट्रॉन लेता है। बनाइए, ये है हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, जल्दी से बना लीजिए। अब हम इनके बाद बात करेंगे इनके हैलाइड्स की, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है इनके हैलाइड्स। बात करेंगे इनके हैलाइड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसमें कुछ है तो वो इनके हैलाइड्स। हटा दो, चलिए आइए बात करते हैं इनके हैलाइड्स की। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हैलाइड बनाते हैं NX3 टाइप, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी सारे के सारे हैलाइड क्या है? अच्छे गुड लुइस एसिड है। ये सारे के सारे जितने भी हैं दे आर गुड लुइस एसिड, ये अच्छे लुइस एसिड है, बढ़िया लुइस एसिड है। यदि इनमें आप देखें तो तीन और एक चार, यानी तीन सिग्मा बॉन्ड है। यदि इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर की बात पहले करते हैं, कैसे? ट्राइगोनल शेप के, ट्राइगोनल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर। तो इनके ट्राइगोनल नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये कहो ट्राइगोनल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए पहले तो मैं इनको बनाऊंगा फिर इनके बारे में समझा देता हूं। तो यह है आपका M यानी सेंट्रल एटम, ये इसमें तीन X आपने ऐसे करके जोड़े हैं, देख लीजिए। तो ये इसकी ज्योमेट्री यदि बनाना शुरू करेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो इनको आपस में मिला के देखिए ऐसे करके,
ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनेगी, ये जो बॉन्ड एंगल होंगे ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल किसके होंगे 120 डिग्री के। तो ये ट्राइगोनल शेप है, नॉन पोलर क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग में आप इसे पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यदि मैं यहाँ निकालूंगा तो इसका जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, जीरो। इस टाइप के हैलाइड्स सारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर से, सब देखना है हमें, पहले इतना बनाइए फिर मैं हैलाइड्स के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। बनाइए बेटा, हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इनके हैलाइड्स को यदि बनाया जाए तो अपने हैलाइड जो बनेंगे वो बनेंगी क्या, तो अपन बोरान से बनाते हैं, तो एक बनेगा BX3 जैसे BCl3, एल्यूमिनियम का बनेगा बेटा AlCl3, एल्यूमिनियम का गैलियम का बनेगा GaCl3, इसके बाद बनेगा इंडियम का InCl3 और सबसे लास्ट में बनेगा TlCl3। ये सारे के सारे हैं, दे आर गुड लुइस एसिड्स, ये अच्छे लुइस एसिड होते हैं, और इन लुइस एसिड के बारे में दो ज्ञान की बातें सीख लीजिए। पहला, इफ सेंट्रल एटम्स इज आइडेंटिकल, यदि इनमें सेंट्रल एटम्स सेम हो पर टर्मिनल एटम्स डिफरेंट हो जाए, सेंट्रल एटम्स आइडेंटिकल, तो जरा समझिएगा मैंने यहां पे आइडेंटिकल का केवल क्या उठाया है, आई, और आई से हमेशा याद रखिएगा आई का मतलब होता है इंक्रीज। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा इसे याद करना, आपने सेंट्रल एटम को सेम रखा, जैसे मैंने बोरान रखा, तो मैंने शुरू किया कहां से, BF3 से, इसके नीचे आएंगे तो BCl3, इसके नीचे आएंगे तो BBr3, इसके नीचे आएंगे तो Bi3, ऐसे ही बनेंगे बेटा डिफरेंट हैलोजन। तो मैंने क्या बोला, यदि सेंट्रल एटम आई से आइडेंटिकल है तो आई से इंक्रीज होगा आगे जाने पर क्या, लुइस एसिडिक कैरेक्टर, लीजिए आई फॉर इंक्रीज, क्या है ये, इट इज लुइस एसिडिक कैरेक्टर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड कौन, Bi3, सबसे वीक कौन, BF3। रीजंस पे बाद में जाएंगे, भी याद करने का तरीका सीखिए। दूसरे पॉइंट पर आ जाए इसी में, सेकंड पे कह रहा है इफ सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, यदि आपके सेंट्रल एटम्स कैसे हैं, डिफरेंट है, तो अब की मैंने किसको पकड़ा है, ध्यान से देख लिया, अब की अपन किसे पकड़ेंगे, डी को, और डी का मतलब होता है डिक्रीज, डी का मतलब होता है डिक्रीज, तो लीजिए जरा सेंट्रल एटम को डिफरेंट भी करके देख लेते हैं, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट करना है, आइए डिफरेंट करते हैं, मेरे पास एक BCl3 है, एक AlCl3 है, सामने बने हुए वैसे तो, एक GaCl3 है, एक InCl3 है, ऐसी एक TlCl3, तो अब डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब सबसे ज्यादा BCl3, फिर AlCl3 और सबसे लास्ट में आया InCl3। तो ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका है बेटा, क्या आइडेंटिकल है तो इंक्रीज, डिफरेंट है तो डिक्रीज, जस्ट रिमेंबर इट, याद करने का एक सिंपल आसान सा तरीका कि किसका लुइस एसिडिक कैरेक्टर कम है, किसका लुइस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये भी ऑर्डर वही है लुइस एसिडिक कैरेक्टर बना लीजिए। इतना सारे के सारे बहुत बेहतरीन बड़े अच्छे लुइस एसिड्स हैं, ये इनका लुइस एसिडिक कैरेक्टर। ओके बेटा, आई से इंक्रीज और डी से डिक्रीज हटा दो। चलिए आगे एक बड़े ज्ञान की बात, भैया
इंपॉर्टेंट। कहते हैं ये जो ट्राई हैलाइड है, दीज ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, ये ट्राई हैलाइड अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, उन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन मांग रहे थे, यानी लुईस एसिड जो थे क्यों थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो दीज ट्राई हैलाइड्स रिमूव, खत्म कर देते हैं और डिक्रीज देयर लुईस एसिडिक कैरेक्टर, और इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बाय टू मेथड्स, दो तरीकों से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को यानी अपने लुईस एसिडिक कैरेक्टर को कम कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं वो सीखेंगे अगली क्लास में, आज केवल यहां तक। वो दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, दोनों आपके पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, बॉन्डिंग में हमने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर से हम एक बार उन्हें देखेंगे। आज केवल यहीं तक रखूंगा, कैसा रहा पढ़ाई, थोड़ा टाइम टेकिंग है, समझाना पड़ता है, इसलिए आज केवल यहाँ तक रखूंगा। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये अपने लुईस एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं होते पर कोशिश करते हैं अपनी ऑक्टेट को पूरा करने की। और साथ ही साथ हम सीखेंगे थोड़ा हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स के बारे में, फिर हम आ जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरान फैमिली, इनके कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है हाइड्राइड्स के बारे में, हम B2O3 थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बोरिक एसिड के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत थोड़ा सा हमें एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना है, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा हमें इनके बारे में पढ़ना नहीं है। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी जरूर हम पढ़ेंगे, मैं यहीं पर आपको मेटलर्जी पढ़ा दूंगा, मेटलर्जी का वेट नहीं करूँगा, ठीक है। आज हम इसे केवल यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास बिल्कुल इसी लाइन से यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।